सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू इथेस जी। फ्रेंड्स, इस वीडियो में जो रिमेनिंग क्वेश्चंस हैं, डिसीज ऑफ फील्ड एंड हॉर्टिकल्चर क्रॉप एंड देयर मैनेजमेंट के, उनको हम सॉल्व करेंगे। अगर आपने प्रीवियस वीडियोस नहीं देखे तो लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, जहाँ से जाकर आप वीडियोस आप लोग जरूर देख लीजिएगा। इससे पहले वाले वीडियोस में हमने 1 टू 25 क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया है, रिमेनिंग जो 26 टू 50 क्वेश्चन हैं उनको हम इस वीडियो में सॉल्व करेंगे। पहला वीडियो आप लोग जरूर देख लीजिएगा, जितने भी क्वेश्चंस हैं वो क्लियर हो जाएंगे। वीडियो थोड़ा सा लंबा होगा क्योंकि यहाँ पर मैंने सभी जो ऑप्शंस हैं उनको डिस्क्राइब किया हुआ है, क्योंकि आपके जो क्वेश्चन आप बनते हैं वो ऑप्शंस में से उठा के एग्जामिनर बना देता है, तो ऑप्शन डिस्क्राइब करना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 26 है, ब्राउन रस्ट ऑफ वीट इज कॉज्ड बाय, जो ब्राउन रस्ट डिसीज़ है वीट की वो किस से होती है। थ्री टाइप्स के रस्ट हैं, ब्राउन रस्ट, ब्लैक रस्ट, येलो रस्ट या स्टेम रस्ट। ठीक है, तो ब्राउन रस्ट किसकी वजह से होता है, पक्सिनिया ग्रेमनिस, पक्सिनिया रिकॉन्डिटा, पक्सिनिया स्ट्राइफॉर्मिस या नॉन ऑफ दी अबव। ठीक है, तो ब्राउन रस्ट होता है पक्सिनिया रिकॉन्डिटा, ऑप्शन नंबर बी। आर से आर याद रखना, रिकॉन्डिटा, ब्राउन से एंड आर। ठीक है, तो पक्सिनिया रिकॉन्डिटा कॉजेज ब्राउन रस्ट ऑफ वीट। ब्राउन रस्ट को दूसरे किस नाम से जानते हैं, तो लीफ रस्ट, इंपॉर्टेंट है। ब्राउन रस्ट को लीफ रस्ट के नाम से जानते हैं। ये जो ब्राउन रस्ट होता है मोस्ट डैमेजिंग होता है। ठीक है, मोस्ट डैमेजिंग इसलिए बता रहा हूं क्योंकि आपका क्वेश्चन यहीं से बना है एग्जाम में। मोस्ट डैमेजिंग कौन सा रस्ट होता है, ब्राउन रस्ट, और ये अर्ली इन अपीयरेंस। ठीक है, अर्ली इन अपीयरेंस मतलब तीनों रस्ट में सबसे पहले कौन सा रस्ट आपको दिखाई देगा, अर्लीस्ट इन अपीयरेंस, पक्सिनिया रिकॉन्डिटा की वजह से ब्राउन रस्ट या लीफ रस्ट। देन उसके बाद बात करते हैं पक्सिनिया ग्रेमिनिस, तो पक्सिनिया ग्रेमिनिस की वजह से कौन सा रस्ट होता है, इंपॉर्टेंट रस्ट है, ब्लैक या स्टेम रस्ट कह सकते हैं, ब्लैक रस्ट या स्टेम रस्ट पक्सिनिया ग्रेमिनिस, और स्ट्राइफॉर्मिस से स्ट्राइप रस्ट, या इसे बोलते हैं येल्लो रस्ट। ठीक है, येल्लो रस्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि कौन सा रस्ट है जो कि अर्ली इन अपीयरेंस है। ठीक है, क्वेश्चन पूछा गया था कौन सा रस्ट है जो कि अर्ली इन अपीयरेंस है, तो ब्राउन रस्ट, ऑरेंज रस्ट भी आपको कहीं कहीं मिलेगा, तो वो भी आप लोग लगा दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 27, ओका बोइंग डिसीज इज कॉज्ड बाय, सेम क्वेश्चन, कोई चेंज नहीं हुआ है 23 वाले में जो था, 22 वाले में मिस कहेंगे कि जो 22 में क्वेश्चन पूछा गया था वही 23 में भी पूछा गया है, क्योंकि ये 23 वाला मैंने पहले पेपर सॉल्व करा दिया है, 23 ये 22 का है, ये बाद में करा रहा हूँ। ठीक है, पोका बोइंग डिसीज किसकी वजह से होती है, फुजेरियम स्पीसीज, अल्टरनेरिया, राइजोक्टोनिया या स्क्लेरोटिना। ठीक है, कमेंट में बताना है आप लोगों को, मैं वहीं बताऊंगा कि इसका सही आंसर क्या होगा, बता चुका हूँ कि पोका बोइंग डिसीज किसकी वजह से होती है। देन क्वेश्चन नंबर 28, विच स्टेज ऑफ पक्सिनिया ग्रेमिनिस कैन इन्फेक्ट अल्टरनेट होस्ट, टेलियोस्पोर, यूरेडियोस्पोर, एसिकोस्पोर या बेसेडियोस्पोर, कौन सी स्टेज है पक्सिनिया ग्रेमिनिस की जो कि अल्टरनेट होस्ट को इन्फेक्ट करती है, तो बेसेडियो स्पोर्स, ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, बेसेडियो बीजाणु स्पोर्स। देन क्वेश्चन नंबर 29, बॉर्डेक्स मिक्सचर वॉज डिस्कवर्ड बाई, अगर आपने मेरे वीडियोस देखे हुए हैं प्रीवियसली, तो वहाँ पर मैंने बॉर्डेक्स मिक्सचर के बारे में एक एक चीज़ जो भी थी वो चीज़ एक्सप्लेन किया था, कब, कहाँ पर, किसके द्वारा, किस कंसंट्रेशन में क्या चीज़ होती है और क्या चीज़ कंट्रोल करने के लिए यूज़ की जाती है बॉर्डेक्स मिक्सचर। तो बॉर्डेक्स मिक्सचर किसके द्वारा, पीएमए मिलार्ड के द्वारा, एमए रहता है, पीएमए मिलार्ड के द्वारा डिस्कवर किया गया था। ईयर बता देता हूँ 1885, जगह फ्रांस। ठीक है, किस चीज़ से मिलकर बना होता है, कॉपर सल्फेट प्लस लाइम प्लस वाटर इन द रेशियो 5:5:50, ये आपका कॉपर फंजीसाइड है। ठीक है, कॉपर जो कि सबसे पहली बार डाउनी मिल्डी ऑफ ग्रेप्स में यूज किया गया था। देन क्वेश्चन नंबर 30, कर्नाल बंट ऑफ वीट इज कॉज्ड बाय, टिलेशिया इंडिका, टिलेशिया कैरीज, टिलेशिया फोइटिडा, यूरोसिस्टिस एग्रोपायरी, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कौन सी डिसीज कर्नाल बंट, ठीक है, किसकी वजह से होती है, टिलेशिया इंडिका, टिलेशिया कैरीज, फोइटिडा या एग्रोपायरी, तो सभी के बारे में बात करेंगे। तो हिल बंट एक डिसीज़ होती है, सभी ऑप्शन के बारे में बात करते हैं, हिल बंट वो होती है टिलेशिया कैरीज या फोइटिडा, इन दोनों से। ठीक है, कोई रहेगा ये हिल बंट, ठीक है, किसकी वजह से, हिल बंट।
फ्लैग स्मट की बात करें, बीट में ही होती है फ्लैग स्मट, वो होती है यूरोसिस्टिस एग्रोपाइरिन। ठीक है, बचा कौन? टिलेशिया इंडिका। ऑप्शन नंबर ए आपका क्या हो जाएगा? टिलेशिया इंडिका। देन क्वेश्चन नंबर 31, लूज स्मट ऑफ बीट इज स्वेल बॉर्न डिसीज, सीड बॉर्न, स्वेल बॉर्न, एयर बॉर्न, सीड बॉर्न या नॉन ऑफ द अबव। इससे पहले हमने पढ़ा था कि जो लूज स्मट ऑफ वीट है वो किसकी वजह से होती है? स्टिलेगोनीडा ट्रेडसाई वैरायटी। ठीक है, ये एक इंटरनली है, इंटरनली, ठीक है, इंटरनली सीड बॉर्न डिसीज है। ठीक है, कैसी है? इंटरनली सीड बॉर्न डिसीज, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना है, लूज स्मट ऑफ वीट इज अ इंटरनली सीड बॉर्न डिसीज। और इसको आप ट्रीट कैसे करेंगे, मतलब ट्रीट इन द सेंस है कि अगर हो गया लूज स्मट तो कैसे आप वो करेंगे ट्रीटमेंट। तो इसके लिए 54 डिग्री सेल्सियस पर वाटर को, मतलब आपका जो भी हमारा सीड रहेगा उसको 54 डिग्री सेल्सियस पानी में 30 मिनट तक, ठीक है, 30 मिनट तक उसको ट्रीट करेंगे, वाटर ट्रीटमेंट। देन क्वेश्चन नंबर 32, विच इज़ द बेस्ट वे टू मैनेज लूज स्मट ऑफ वीट, लूज स्मट ऑफ वीट कैसे मैनेज करेंगे? सर्टिफाइड सीड, सीड ट्रीटमेंट, बोथ ए एंड बी, नन ऑफ द अबव। काफ़ी ज़्यादातर बच्चे क्या लगा देंगे? सीड ट्रीटमेंट। ठीक है, तो अच्छी बात है, सीड ट्रीटमेंट करेंगे, सर्टिफाइड सीड भी लेंगे, क्योंकि अगर अगर आपका सीड सर्टिफाइड है मतलब वो सभी स्टेजेस में पास है, उसमें कोई भी खराबी नहीं है। अगर हमारा लूज स्मट्स इन्फेक्टेड सीड है तो वो सर्टिफाइड नहीं होगा, वो फेल हो जाएगा सर्टिफिकेशन में। तो ऑप्शन नंबर आपका दोनों क्या हो जाएगा? बोथ ए एंड बी, मीन्स ऑप्शन सर्टिफाइड सीड भी होना चाहिए और सीड ट्रीटमेंट भी। देन क्वेश्चन नंबर 33, पाउडरी मिल्ड्यू ऑफ वीट इज कॉज्ड बाय, जो पाउडरी मिल्ड्यू है वीट का वो किसकी वजह से होता है? रास्फी पॉलीगोनी, ब्लूमेरिया ग्रामिनिस ट्रेटिसाई, रास्फी फूली जीनिया या फाइलेक्टिनिया गुटाटा। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या कहा है कि पाउडरी मिल्ड्यू ऑफ वीट, जो पाउडरी मिल्ड्यू होता है किसकी वजह से? ब्लूमेरिया ग्रामिनिस वेराइटी ट्रेटिसाई। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और रिपीटेड क्वेश्चन है ये, ठीक है, इसलिए याद रखना है। कभी कभी इसको सीधा कह देता PMW, मीन्स पाउडरी मिल्ड्यू ऑफ वीट। देन क्वेश्चन नंबर 34, टारगेट बोर्ड इफेक्ट सिम्टम्स इज कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम्स ऑफ जीनस फाइटोफ्थोरा, सर्कोस्पोरा, कर्बलेरिया, अल्टरनेरिया स्पीसीज। ये आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि ऐसे क्वेश्चन बार बार आपको मिलते नहीं है, ठीक है। तो ये अल्टरनेरिया सोलनाई के द्वारा कॉज कर टारगेट बोर्ड इफेक्ट सिम्टम्स आपको देखने को मिलते हैं, और तो स्पीसीज क्या हो जाएगा? अल्टरनेरिया स्पीसीज। आप लोग के लिए क्वेश्चन है कि अल्टरनेरिया सोलनाई, ठीक है, ये कौन सी डिसीज को कॉज करता है? बहुत फेमस डिसीज है। क्वेश्चन नंबर 35, ईयर कॉकल डिसीज ऑफ वीट इज कॉज्ड बाय, जो ईयर कॉकल डिसीज है वीट की वो किसकी वजह से होती है? नेमाटोड की वजह से, फंगस की वजह से, वायरस या वायरॉइड की वजह से। ठीक है, तो ईयर कॉकल डिसीज एक नेमाटोडल डिसीज है, जो कि नेमाटोड का नाम क्या है? एंग्विना ट्रेटिसाई। ठीक है, ये एक नेमाटोड है जो कि डिसीज को कॉज करता है। मैनेज इसको कैसे करेंगे? इसको करेंगे बाय सीड फ्लोटेशन इन 20% सॉल्ट सॉल्यूशन, मतलब NaCl सॉल्ट सॉल्यूशन, NaCl सॉल्यूशन। ठीक है, एंग्विना ट्रेटिसाई। देन क्वेश्चन नंबर 36, द स्मॉलेस्ट पैथोजेनिक एजेंट इज फंगस, नेमाटोड, वायरस, बैक्टीरिया। सबसे स्मॉलेस्ट कौन से हैं? वायरॉइड्स आर द स्मॉलेस्ट, रिलेटेड टू वायरस, तो यहाँ पर हम वायरस के साथ जाएंगे, ऑप्शन नंबर सी। आपको बहुत रेयर केस में वायरस मिलेगा वायरॉइड, ठीक है, आपको क्या मिलेगा? वायरॉइड, ठीक है, वायरॉइड आपको मिलेगा जो कि स्मॉलेस्ट है। क्वेश्चन नंबर 37, अल्टरनेरिया ट्रेटिसियाना इज अ कैजुअल एजेंट ऑफ, जो अल्टरनेरिया ट्रेटिसियाना है वो किस चीज़ का कैजुअल एजेंट है? ब्लाइट ऑफ वीट, ब्लाइट ऑफ टोमेटो, ब्लाइट ऑफ पोटैटो, ब्लाइट ऑफ पैडी। ठीक है, बैक्टीरियल लीफ ब्लाइट ऑफ पैडी आपको बताना है, BLB डिसीज है, BLB बैक्टीरियल लीफ ब्लाइट ऑफ पैडी, ये डिसीज कौन कॉज करता है? कैजुअल ऑर्गेनिज्म बताना है। ठीक है, तो ये ब्लाइट ऑफ वीट को कॉज करता है, अल्टरनेरिया ट्रेटिसियाना इज अ कैजुअल एजेंट ऑफ ब्लाइट ऑफ वीट। क्वेश्चन नंबर 38, विच इज द परफेक्ट स्टेज ऑफ कोलिटोट्राइचम फैल्केटम। इससे पहले मैंने पार्ट फर्स्ट में आपसे 25 क्वेश्चन नंबर में ये पूछा था कि उसका कैजुअल ऑर्गेनिज्म कौन सा होगा, किस क्रॉप में वो डिसीज होती है, तो यहाँ पर भी पूछ रहा हूँ किस क्रॉप में
ये डिसीज़ होती है कोल्टोट्राइजम फैल्केटम डिसीज़। ठीक है, कौन कॉज करता है इसको? ज़ेब्लेरा इंडिका, ग्लोमेरा ट्यूक्यूमेंसिस या मैग्नेपार्थी ग्रीसी या नन ऑफ दी अबव। ठीक है, तो कौन कॉज करता है? ग्लोमेरेला ट्यूमी ग्लोमेरा ट्यूक्यूमेंसिस। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? करेक्ट। बहुत इंपॉर्टेंट डिसीज़ है, किस क्रॉप में होती है और कौन सी डिसीज़ को यह कॉज करता है, बहुत इंपॉर्टेंट डिसीज़ है आपका। क्वेश्चन नंबर 39, क्रॉप रोटेशन शुड बी अडॉप्टेड टू मैनेज डिसीज लाइक सीड बॉर्न, एयर बॉर्न, इंसेक्ट बॉर्न या सोयल बॉर्न। ठीक है, तो क्रॉप रोटेशन मेनली हम क्यों करते हैं? क्योंकि सोयल बॉर्न डिसीज है वो प्रिवेंट की जा सके। तो ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा यहाँ पर? करेक्ट। देन क्वेश्चन नंबर 40, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पैथोजन, वायरस, बैक्टीरिया, फंजाई या नेमाटोड। आप देखिए, ये थोड़ा सा कॉन्ट्रोवर्शियल क्वेश्चन है, अगर आप बहुत ज़्यादा डीप नहीं पढ़े हैं तो आप इसको, क्योंकि हमने क्या पढ़ा, मैंने भी पढ़ा कि वायरस, बैक्टीरिया, फंजाई, नेमाटोड सभी क्या है? हमारे पैथोजन्स है, कि ये सभी डिसीज़ कॉज करते हैं। कोई भी ऑर्गेनिज्म कोई डिसीज़ को कॉज कर रहा है वो पैथोजन कहलाएगा। बट हमने अपने सर से पता किया है कि उन्होंने ऑप्शन दिया कि कुड बी अ वायरस, वायरस हो सकता है, वायरस को हम ऑप्शन में लगा कर आएंगे, कि हमें एक तो लगाना पड़ेगा कि इसमें कौन सा पैथोजन है, तो वायरस के साथ हम जाएंगे ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, क्योंकि बैक्टीरिया, फंजाई ये कभी कभी खुद इन्फेक्ट हो जाते हैं। ठीक है, मीन्स ये भी पैथोजन की चपेट में आ जाते हैं। बट तो यहाँ पर हम नेमाटोड, बैक्टीरिया, फंजाई, तो हम ऑप्शन नंबर ए के साथ जाएंगे, वायरस, क्योंकि वायरस को हम लोग मार नहीं सकते ना, वी इट कांट बी डाइड, वायरस को हम लोग मार नहीं सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 41, ग्रासी शूट डिसीज ऑफ शुगर केन इज कॉज्ड बाई, जो ग्रासी शूट डिसीज ऑफ शुगर केन है किसकी वजह से होता है? वायरस की वजह से, वायरॉइड, फाइटोप्लाज्मा या फंगस की वजह से। ठीक है, तो ग्रासी शूट किसकी वजह से होगा? फाइटोप्लाज्मा। ठीक है, एक क्वेश्चन इसमें पूछता है कि जो ग्रासी शूट डिसीज का वेक्टर क्या है, मतलब किसके जो फाइटोप्लाज्मा ट्रांसफर किसके द्वारा होता है एक प्लांट से दूसरे प्लांट में, तो ये होता है एफिड, एफिड्स के द्वारा। देन क्वेश्चन नंबर 42, रेटून स्टनिंग डिसीज इज कॉज्ड बाय, वायरस, बैक्टीरिया, माइकोप्लाज्मा या फाइटोप्लाज्मा, आरएसडी। डिसीज कौन सी? आरएसडी। मेरे को लग रहा है तीन बार ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है आपको 2 साल में, एक पार्ट फर्स्ट में भी ऐसे क्वेश्चन इसी से रिलेटेड क्वेश्चन था और अभी यहाँ भी पूछा गया है। ठीक है, तो रेटून स्टनिंग डिसीज किस में होती है, पहले तो ये आपको बताना है। ठीक है, किस में होती है? बता देता हूँ, शुगर केन में होती है। किसकी वजह से होती है? तो इसको बैक्टीरिया कॉज करते हैं। बैक्टीरिया का नाम क्या है? पहले नाम था क्लेवी बैक्टर ज़ाइली। ठीक है, प्रेजेंट में अभी कौन सी है? लेप्सोनिया ज़ाइली। ठीक है, क्वेश्चन पूछा गया था कि लेप्सोनिया ज़ाइली किस डिसीज को कॉज करता है, तो रेटून स्टनिंग डिसीज। तो ऑप्शन नंबर बी, बैक्टीरिया, लेप्सोनिया ज़ाइली रेटून स्टनिंग डिसीज को कॉज करता है। क्वेश्चन नंबर 43, प्रोडक्शन ऑफ विप लाइक स्ट्रक्चर इज अ कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम्स ऑफ, विप लाइक स्ट्रक्चर कौन सी डिसीज के कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम्स है? स्मट ऑफ शुगर केन, ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा? गन्ने का कंड रोग, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है फ्रेंड्स, अगर आप कोई भी कम्पिटेटिव एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप उनसे पेड पीडीएफ परचेज कर सकते हैं। लोगों को लग रहा होगा मैं बार बार क्यों बताता हूँ, तो कुछ बच्चे हैं जो कि एक वीडियो देखते हैं, कुछ जो भी सेमेस्टर में तो वो बार बार देखते हैं वीडियो, तो उनको लग रहा है कि फालतू की चीज़ बता रहे हैं, बट नहीं, क्योंकि जो बच्चे एक बार वीडियो देखते हैं तो उनको भी पता होना जरूरी है। अगर आप परचेज करना चाहते हैं पेड पीडीएफ तो आप में कॉन्टैक्ट कर सकते हैं 7905601596। ठीक है, हमारा टेलीग्राम चैनल है हितेश एजी के नाम से, उसको भी आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। व्हाट्सएप पर मैंने ग्रुप भी बना दिया है जो भी सेमेस्टर के बच्चे उसमें, और सभी लोग मत आएँ क्योंकि वो जो सेमेस्टर के बच्चे उनके लिए है, तो वो लोग उसको ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। वाइट रस्ट ऑफ मस्टर्ड इज कॉज्ड बाई, एल्बिगो कैंडिडा, अल्टरनेरिया ब्रैसिकी, रेजिक्टोनिया सोलनाई या प्लाज्मिडोफोरा ब्रैसिकी। तो वाइट रस्ट, एल्बिगो कैंडिडा, ऑप्शन नंबर ए आपका क्या हो जाएगा यहाँ पर? करेक्ट। देन क्वेश्चन नंबर 45, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सिस्टमैटिक फंजिसाइड, कौन सा सिस्टमैटिक है? तो बेवेस्टिन इज अ सिस्टमैटिक फंजिसाइड वेज ऑल अदर आर नॉन सिस्टमैटिक। ठीक है, बेवेस्टिन सिस्टमैटिक है। क्वेश्चन नंबर 46, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट इफेक्टिव फंजिसाइड अगेंस्ट डाउनी मिल्ड्यू, डाउनी मिल्ड्यू के अगेंस्ट कौन सा फंजिसाइड बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है?
ज़ाइनेप, बॉर्डेक्स मिक्सचर, रेडोमिल, डाइथेम N45। ऑप्शन बी बी बॉर्डेक्स मिक्सचर। आप लोग लिए क्वेश्चन है कि बॉर्डेक्स मिक्सचर के मतलब कौन प्रिपेयर किया था, साइंटिस्ट कौन थे जिन्होंने प्रिपेयर किया था, ठीक है। आपको कमेंट बताना है कि बॉर्डेक्स मिक्सचर वॉज प्रिपेयर्ड बाई, किसके द्वारा प्रिपेयर किया गया और किस रेशियो में उसमें होता है। जो भी हमारा मिक्सचर है, होता क्या है, कॉपर सल्फेट वाटर प्लस लाइम, तो किस रेशियो में होता है। क्वेश्चन नंबर 47, हाइपरट्रॉफी एंड हाइपरप्लेशिया आर द मेन कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम्स ऑफ। हाइपरट्रॉफी एंड हाइपरप्लेशिया किस चीज़ के मेन कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम्स है, अर्ली ब्लाइट के, लेट ब्लाइट के, वाइट रस्ट के या विल्ट ऑफ अरहर के, ठीक है। तो हाइपरट्रॉफी क्या होता है, हाइपरट्रॉफी का मतलब होता है इंक्रीज इन द साइज ऑफ इंडिविजुअल सेल। फॉर एग्जाम्पल, एक आपका सेल है, जब हाइपरट्रॉफी होगी तो ये सेल बड़ा होगा, देन आपको और बड़ा हो जाएगा, देन ये, ठीक है। मतलब जो इंडिविजुअल सेल है, साइज है सेल की, वो इंक्रीज कर जाएगी। अगर हाइपरप्लेशिया की बात करें तो पहले एक सेल रहेगा, देन आपके सेम साइज के दो बनेंगे, देन सेम साइज के तीन चार बन जाएंगे, देन 8, 10, 20 ऐसे, मतलब इंक्रीज इन द नंबर ऑफ सेल, वो क्या हो जाएगा, हाइपरप्लेशिया। इंक्रीज इन द साइज ऑफ इंडिविजुअल सेल, हाइपरट्रॉफी। तो किस चीज़ के कैरेक्टरिस्टिक्स सिम्टम्स हैं, तो ये हैं वाइट रस्ट। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, करेक्ट। क्वेश्चन आपको पूछ सकता है कि इंक्रीज इन द इंडिविजुअल साइज ऑफ द सेल, हाइपरट्रॉफी हो जाएगा, ठीक है। इंक्रीज इन नंबर ऑफ साइज ऑफ द सेल, हाइपरप्लेशिया। देन क्वेश्चन नंबर 41, एसोकाइटा ब्लाइट इज अ डिसीज ऑफ। वीडियो नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1, ठीक है, वीडियो नंबर 8 था, क्वेश्चन नंबर 1 था, जहां पर मैंने बताया हुआ था कि एसोकाइटा ब्लाइट कौन क्या किस में होता है, वीट में, ग्राम में, लिनसीड में या पोटैटो में। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, ग्राम में। क्वेश्चन नंबर 49, ज़ैंथोमोनास कंपेस्टिस पैथोवर मालवेसरम इज अ कैजुअल एजेंट ऑफ। मालवेसरम मालवेसी फैमिली का, यहाँ मालवेसी फैमिली का कौन है, कॉटन। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, करेक्ट। ऐसे भी आप लोग कर सकते हैं, ठीक है। देन सिट्रस कैंकर, बैक्टीरियल लीफ ब्लाइट और फायर ब्लाइट ऑफ एप्पल। आप लोग को बताना है जो बैक्टीरियल लीफ ब्लाइट होता है, ये कौन सा कैजुअल ऑर्गेनिज्म है जो इसको कॉज करता है। इसमें एक इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक है क्रिसेक, जिसे हम लोग सीडलिंग विल्ट के नाम से जानते हैं, सीडलिंग विल्ट, ठीक है। इसका एक इम्पॉर्टेंट सिम्टम्स है। फायर ब्लाइट ऑफ एप्पल पहले डिसीज थी, कॉज बाय इर्विना माइलो वोरा, ठीक है, होता है आपको, हाँ ठीक। एक और बताना है कि सिट्रस कैंकर कौन से ऑर्गेनिज्म कॉज करता है। देन क्वेश्चन नंबर 50 और लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का, कि विल्ट ऑफ ग्राम इज कॉज्ड बाय, जो विल्ट ऑफ ग्राम है वो किसकी वजह से होता है। रजबटूनिया सोलनाई, कोलोटेटाइजम फेल्केटम, फुजेरियम ऑक्सिस्पोरियम पैथोर उदम, फुजेरियम ऑक्सिस्पोरियम सैसरी, ठीक है, सैसरी। अब देखिए, ग्राम है साइसर एरेटिनम, सीधा हाँक मूंद के लगा सकते हैं, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट। अगर विल्ट ऑफ अरहर पूछ लेगा, देन आपका क्या हो जाएगा, उदम, ठीक है, विल्ट ऑफ अरहर उदम। कॉल्टोटाइजम फेल्केटम कौन किस क्रॉप में डिसीज कॉज करता है, आप लोग को बताना है, ठीक है, लिखने जा रहा था बल लिखूंगा नहीं, किस क्रॉप में कौन से डिसीज को कॉज करता है, आप लोग को ये क्वेश्चन नंबर 50 के लिए करना है और ज़रूर कीजिएगा। और जो रिमेनिंग क्वेश्चंस हैं उनको आप लोग देख लीजिएगा, टोटल हमें लग रहा है 11 वीडियोस हो जाएंगे इस टॉपिक पर। 11 वीडियोस अगर आप देख के जाएंगे तो आपको नहीं, ऐसा कुछ है कि नहीं आएगा, क्योंकि मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन पेपर आपके प्रीवियस एग्जाम से ही रिपीट हो जाते हैं क्वेश्चन जो होते हैं। तो पूरा वीडियो फ्रेंड्स ज़रूर देख कर जाइएगा।